दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं गया बिहार न्यूज। अभी हमारे साथ है बिहार सरकार कल्याण विभाग मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, जो हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हम इनसे सवाल करेंगे कि जो 12 फरवरी से जो पूरे मगध में जो एक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इससे संबंधित हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी। सवाल है कि जो 12 फरवरी से पूरे मगध में जो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं सर, इसका दशा और दिशा कैसे तय कर रहे हैं सर? देखिए, हम लोग की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, वो गरीबों के लिए काम करती है और जो गठन भी हुआ था गरीबों की सेवा के लिए हुआ था, और हम लोग का नारा भी है सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीब सब एक हो। और जब गरीब शब्द का हम लोग कहते हैं तो सभी समाज के सभी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और पूर्व में भी खाई थी गरीब और अमीर की थी, चाहे मार्क्सिज्म थ्योरी कही है, चाहे कहीं भी कही है। तो 12 तारीख जो 12 फरवरी है, उस दिन से हम लोग ने मगध में ऐसे पूरे बिहार में हम लोग को घूमना है। हम लोग चाहते हैं कि उन गरीब के पास जाकर संपर्क करें, उनका दुख दर्द को सुने और उनके दरवाजे पर जा कर के हम उनसे पूछें उनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि गरीब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पटना आने में भी समस्या होती है और बहुत सारी परेशानी है, छोटी छोटी परेशानियाँ हैं जो बहुत आसानी से उनका निदान किया जा सकता है, वो सरकार के स्तर पर हो चाहे हम लोग के स्तर पर हो। ऐसे हमारे कार्यकर्ता सब जगह जाते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन जब हम लोग जाएंगे और उनको लगेगा उनके दरवाजे पर कि हमारी भी पार्टी है और हम लोग के जो लोग हैं और उन लोग भी इतने सशक्त हैं, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। सर, ये पदयात्रा कहाँ से शुरू होगा सर? देखिए, पदयात्रा जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि है शेखो देवरा, नवादा ज़िला में एक जगह है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और पूरे नवादा ज़िला, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, सभी जिलों को करके हम लोग 26 तारीख को एक सभा जनसभा करेंगे गया के गांधी मैदान में। मुख्य मकसद यही है कि हम लोग संपर्क करें उन गरीबों को, उनका दुख दर्द डालें और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करें जिस पर कथा पर जिस चीज़ पर हमारी पार्टी का गठन हुआ है, गरीबों की सेवा करना, गरीबों को उत्थान करना, इसीलिए हम लोग यात्रा का शुरुआत। सर, ये यात्रा पैदल यात्रा होगा या फिर गाड़ी के द्वारा यात्रा किया जा रहा है सर? देखिए, यात्रा का जो स्वरूप है, पैदल तो हम नहीं कर सकते हैं कि पूरे जिले मगध का पैदल हम लोग यात्रा कर लेंगे। हाँ, हम उन लोगों के पास जाएंगे, उन लोगों के साथ पैदल भी चलेंगे, उनका दुख दर्द मानेंगे, उनके साथ बैठ कर खाना खाएंगे और रोज़ हम लोग का जो टारगेट है कि 15 से 20 किलोमीटर हम लोग पैदल चलेंगे, जो वो उन लोगों के जहाँ पर संख्या ज़्यादा है उन लोगों के साथ हम लोग बैठ कर बात करेंगे, उनके साथ कुछ दूर पैदल चलेंगे ताकि एक विश्वास जगे उनके साथ कि मेरा भी कुछ साथी है जो हम लोगों के साथ हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार है। ये यात्रा का समापन कहाँ होगा सर? जैसा कि हमने बोला कि गया में हम लोग लास्ट में आएंगे और 26 फरवरी को एक गया के गांधी मैदान में एक जनसभा के रूप में एक समाप्त होगा, शुरुआत होगा नवादा के शेखो देवरा से और गया में समाप्त होगा 26 फरवरी। सर, एक सवाल और है कि जो हम लोग के पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी हैं, क्या उस जगह पे पदयात्रा जाएगी? हाँ जी, निश्चित तौर पर वहाँ भी जाएगी। हम लोग नवादा से निकलेंगे और गया में जब हमारी यात्रा शुरू होगी तो हम लोग वहीं पर माल्यार्पण करके, हम लोग के जो आदर्श पुरुष हैं दशरथ मांझी जी, उन पर माल्यार्पण करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। और हमारे जितेंद्र गौतम जी हैं वो भी 5 फरवरी को जा रहे हैं दिल्ली पैदल यात्रा करके, उनका भारत रत्न का जो सम्मान है उसकी मांग करी, और हम लोग उस दिन भी हैं उनके साथ हैं, उनके साथ भी हम लोग चलेंगे उनके सम्मान में, जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे भी। तो इस तरह का एक सब लोग मिल करके समाज, आप भी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो गरीब समाज है, उसको अपने मीडिया के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से आप लोग भी सहयोग करें। और सभी साथियों को हम कहते हैं, समाज के किसी तबके को हो, किसी जाति व्यवस्था से हो, गरीब गरीब होता है, और सबको मिल करके उन लोगों को, उस भाइयों को आगे बढ़ाना जो पिछड़े हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी यही कथन था कि हम अगर आगे बढ़ चुके हैं तो मेरा दायित्व है कि हमारे जो भाई, हमारे जो लोग पीछे हैं, उनको सहारा देकर आगे बढ़ाएं, तभी एक स्वस्थ समाज की प्रगति। सर, दिल्ली जो 5 फरवरी से जो यात्रा जा रहे हैं, जो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का जो भारत रत्न दिलवाने का जो मांग है, इसके लेकर के दिल्ली जा रहे हैं लोग, तो कितने जनसंख्या में लोग जा रहे हैं दिल्ली सर? देखिए, इसका आकलन करना तो हम नहीं समझते हैं कि क्या जनसंख्या होगा, लोगों में उत्साह है, जूम है, संख्या हमारी है ही, उनके चाहने वालों की संख्या हजारों लाखों में है, जहाँ जहाँ यात्रा जाएगा हम समझते हैं कि हजारों की संख्या में लोग रहेंगे, यहाँ से दिल्ली तक रहेंगे, पूरा उत्साह है। तो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते ना कितनी संख्या, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। और एक और हमारे गया में आदर्श पुरुष हुए हैं नौमी भुइयां,
हमारे रिजवी जी हैं, पत्रकार हैं, उनका लेके किताब लिख रहे हैं, उनको मैं साधुवाद और उनको शुभकामना भी देता हूँ कि और से लोगों पर भी आप किताब लिख करके समाज के जो धारा से कटे हुए लोगों को आप आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किताब एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से इंटरनेट है, बुक भी एक माध्यम है जो कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट जरिया है। तो ये छपने से इनके बारे में जानकारी मिलेगी और लोगों को ये भ्रांतियाँ हैं कि जो समाज दबा हुआ है कुछ नहीं कर सकता, ये भ्रांतियाँ खत्म होगी और उन लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा जो ऐसा लगता है उनको कि हम उस समाज से आते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो मानसिक रूप से अपने को समझते हैं, तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होगा तो समझते हैं विकास की नई रेखा और नई दिशा तय करना।